गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फिशेस होती हैं वो लाइव फीडिंग करती हैं, मतलब जिंदा मछलियों को खा लेती हैं, या फिर आप कोई मरी हुई मछली अगर उनको देते हैं तो वो खा लेती हैं या नहीं। जी हाँ, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं फाइटर, जिन्हें आप मरी हुई या फिर कुछ जिंदा मछलियाँ भी उनके पास छोड़ते हैं उनके साइज़ से छोटी, तो वो उनको खा लेती हैं। जैसे कि आपको ये गोल्ड फिश और ब्लैक गोल्ड आपको दिखाता हूँ, ये ऑस्कर को खिला के, तो ये ऑस्कर जो होती है, ये जो फिश, ये आप अगर रखते हैं तो इनके साथ में फाइटर ही फिश रखें, जैसे पैरट हुआ और जैसे अरवाना हुई और कैट फिशेस हुई और शार्क हुई, ऐसी फिशेस रखेंगे तो ये ऑस्कर रह लेगी, नहीं तो ये गोल्ड फिश को ऐसे ही खा लेती है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये दो फिशेस हैं, मरी हुई हैं, और मैं एक पैट शॉप पे हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक गोल्ड पहले मैं डालूँगा और ये जो ऑस्कर्स हैं इसको देख रही हैं अंदर से और इनको खाना चाह रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं उनको ऊपर से डालूँगा तो ये समझ गई हैं कि ऊपर से मैं इनको डालने वाला हूँ, और आप देखिएगा कितनी जल्दी ये इस ब्लैक गोल्ड को खाती हैं। ये देखिएगा, ये मैंने डाला और इसने, इन्हें फायर ऑस्कर कहते हैं, और एक ने खा लिया इसको। अब दूसरी जो है मेरे पास रेड कैप, इसको भी मैं डालूंगा और आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली अब देख रही है फिर से कि देखिए ये दे देखिए खा लिया ये भी। तो ऐसे करके ये फिशेस जो हैं वो लाइव फीडिंग करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइव फीडिंग करने से इनको क्या फ़ायदे होते हैं या फिर क्या नुकसान होते हैं। ये देखिए, मैं अभी एक और फिश आपको दिखाता हूँ, ये भी पेट शॉप पे मरी हुई फिश थी, तो मैं इसको भी ऑस्कर को खिला के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप लाइव फूड खिलाते हैं अपनी फिशेस को तो दिक्कत ये आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं, फिर इनको लाइव फीडिंग चाहिए। अगर आप इन्हें डेली रेगुलर बेसिस पे खिलाते हैं अगर लाइव फूड, तो ये बाद में आसपास की जो मछलियाँ के साथ रह रही होती हैं, जो भी ज़्यादा एग्रेसिव होती है और जो ज़्यादा पावरफुल होती है, वो दूसरी कमज़ोर मछली को खा लेती है। इसलिए लाइव फीडिंग ना खिलाएं। अगर लाइव फ्लाइट फीडिंग के बहुत से नुकसान हैं, जैसे कि पानी गंदा होना, जो पानी होता है वो बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा वो निकाल देती हैं। और याली आप ऑस्कर देख सकते हैं, इसके अंदर दो रेड टेल शार्क हैं जो पहले से ही इन लोगों ने इसको दे रखी हैं। और ये ऑस्कर जो होती है सबसे ज़्यादा डेंजरस फिश होती है फाइटर ग्रुप में, ऑस्कर हुई, अरवाना हुई। मेरे पास घर में खुद अरवाना है, ये देखिए, मैं दो पैट शॉप से फिशेस मॉली लाया था जो वहाँ पे डेड थी, मतलब मरी हुई मछलियाँ। तो आप ये देखिए, अरवाना मैंने 2000 रुपये की ख़रीदी थी ये कुछ ही दिन पहले, तो अभी आप देखिएगा कि ये कैसे लाइव फीड करती है। ये अभी अरवाना उधर से आ रही है और ये जो मॉली यहाँ पे मरी हुई ऊपर फ्लोट कर रही है, इसको देखिए कैसे ये खाती है, ये आप देखिएगा। सबसे पहली दिक्कत यही आती है, अरवाना तो लाइव फीडिंग अगर आप एक बार कराने लगे तो उसके बाद वो कोई भी फूड नहीं खाएगी, ना तो कोई फूड स्टिक्स खाएगी, उसे सिर्फ और सिर्फ लाइव फीडिंग चाहिए, ब्लड वॉर्म्स चाहिए। इसलिए अरवाना को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अरवाना स्टिक्स पे डिपेंड कर दें, मतलब पूरा अरवाना स्टिक ही दें तो ही बेटर है, नहीं तो अगर आपने लाइव फिशेस खिला दी या फिर कोई भी तरीके का फूड ऐसा खिला दिया जो मतलब नॉन वेज है, तो फिर वो नॉन वेज खाएगी। ये देखिए, इसने फिश खा ली, पर मैं पहली बार दे रहा हूँ उसको क्योंकि अभी नई लाया हूँ, और ये जिसके पास थी उसने इसे ऐसी फिशेस खिलाई थी। और एक पेट शॉप की और वीडियो है, ये देखिए गोल्ड फिश मैं एक और डालता हूँ, ये भी मरी हुई है, और आप देखिए ये ऑस्कर ने खा लिया इसको। तो ये जो फिशेस होती हैं इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है ये लाइव फूड, और ऑस्कर जिसमें सबसे ज़्यादा फीड करती है ये सब, और सेकंड नंबर पे अरवाना। ये एक मॉली है, इसको डाल के देखते हैं, ये देखिए मैंने डाली और वे छोटी वाली ने खा ली। तो लाइव फीडिंग से एक चीज़ आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि लाइव फीडिंग अगर आप कराते हैं अपने एक्वेरियम में इन ऑस्कर्स को, अरवाना को या पैरट को, तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती हैं। ये मेरे एक्वेरियम में मैंने एक मॉली डाली तो एक देखिए ये पैरट्स खा रही हैं। तो ये पैरट फिश जो है ये 1000 रुपीज़ की एक है, 1000 रुपये की एक पैरट फिश है, और बड़ी वाली, और छोटी वाली है 600 रुपीज़ की।
तो इनको मैं कभी कदार मौली जो मेरे ऊपर पॉन्ड में हैं वो मर जाती हैं, तो मैं फेंकने से अच्छा इन्हीं को दे देता हूँ कि लाइव फीडिंग भी हो जाती है एक तरीके से, और इनकी ग्रोथ में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, कलर भी थोड़ा डार्क होता है क्योंकि ये कार्निवोरस फिशेस हैं और इनको लाइव फीड चाहिए, तो इसलिए मैं कभी कदार दे देता हूँ मौलीज जो मेरे पॉन्ड में बच जाती हैं। ये देखिए मेरी कैट फिश जो है ये भी लाइव फीड करती है, और एक फिश जो मर गई थी मेरे ऊपर पॉन्ड में वो मैंने डाली पहले, उसके बाद मेरी एक अरवाना डेड हो गई तो उसको भी ये खा रही है। कैट फिश जो होती है बहुत ही ज़्यादा लाइव फूड पसंद होता है इसे, और इसे एक बार भी लाइव फूड का अगर मतलब टेस्ट लग गया तो फिर ये खाना छोड़ देती है और लाइव फीडिंग करती है, आपकी कोई भी फिश की आंख निकाल सकती है, और फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए ये डॉटेड ब्लैक कैट फिश आप ना रखें क्योंकि इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत फास्ट होती है और प्रॉब्लम आप ही को करेगी ये बाद में, इसलिए आप इनको रखें तो किसी पॉन्ड में रखें या फिर सेपरेट एक्वेरियम में रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैट फिशेस हो और कुछ ऑस्कर्स हो, नहीं तो और फिश को ये परेशान भी कर सकती हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी अरवाना जो डेड हो गई है, इसे आधा इन लोगों ने खा लिया है कैट फिश ने, और कुछ ऑस्कर्स ने इनके पेट का मतलब निकाल दिया है, और ये मेरी जो फिश थी 2000 रुपीज़ की ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सोचा ना निकालूं, और आप पानी देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या एक्स्ट्रा पूछना है। थैंक यू।